अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। हरिहरगंज पूर्वी पैक्स अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया प्रेरित। हरिहरगंज पलामू से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार मेहता की रिपोर्ट। हरिहरगंज पलामू प्रखंड के हरिहरगंज पूर्वी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने कोविड-19 के सुरक्षा को लेकर बेझिझक कोरोना का टीका वैक्सीनेशन लगाने की अपील लोगों से किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र संपूर्ण तरीका है। उन्होंने किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कोविड का टीका लगवाना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों को पूरी कोशिश है कि देश और समाज का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित न हो। साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर दूसरों को भी प्रेरित करने का सुझाव दिया। बताइए, कोरोना का वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। सभी लोग से आग्रह है, जितने भी किसान लोग हैं, किसान भाई लोग, सभी लोग आप लोग वैक्सीन लगाएं। आपका हरिहरगंज पूर्वी पैक्स ना है? हरिहरगंज पूर्वी पैक्स के किसान लोग से अनुरोध है कि आप वैक्सीन जरूर से जरूर लगाएं। आप बोलिए, कुछ बोलते रहिए। बहुत लोग अफवाह फैला रहा है, तो सब क्या कुछ बोलिए उसके बारे में? बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये हो जाएगा, वो सब गलत चीज़ है। सरकार इतना खर्च कर रही है आप ही के लिए। आप वैक्सीन लगवाए हैं? हम लगा चुके हैं, हम वैक्सीन दूसरा डोज भी लगने वाला है मेरा। कोरोना से बचाव का मात्र एक ही उपाय है, वैक्सीन लगाना। लगाने के बाद आदमी सुरक्षित रहता है? वैक्सीन लगाने के बाद आदमी सुरक्षित हो जाता है। भविष्य में तीसरा पीरियड भी आएगा, नहीं रहेगा अगर लगा लेंगे तो, उसमें भी सुरक्षित रहेंगे।